आज पांच में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में विफाकी वुजरा, चारों सूबों के वुजराए आला और आला अस्करी क्यादत शरीक है। मजीद तफसलत जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा क्या तफसलत हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास अभी जारी है, प्राइम मिनिस्टर की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की माशी और खादी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और खास तौर पर पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है वो दूरस इकदाम जो मुल्क में सरमायाकारी के फरोग देने के लिए और उसके हवाले से मैशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुल्कों से बातचीत जारी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और जो वफूद आने वाले दिनों में आएंगे और उन वफूद को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कायदे ज़ाबत और कवानीन में तब्दीली की जरूरत है, ये सारी चीज़ें जो है आज के इजलास में ज़ेर बहस आएंगी और इसमें आला अस्करी क्यादत और इस काउंसिल के मेंबरान और उसके अलावा जो अस्करी क्यादत है और वफाकी वज़रा और चीफ मिनिस्टर इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज इजलास के बाद 6:10 पर वफाकी वज़ीर इब्राहिम सुबहबंदी अहसन इकबाल इस काउंसिल में होने वाले फैसलों की ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आपने अपडेट किया। और बड़ी खबर आप